उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर एसडीएम एडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने कांग्रेस के 2 विधायक सहित 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर भैरवगढ़ जेल भेज दिया। दरअसल कांग्रेस के तराना विधायक महेश परमार और आलोट विधानसभा सीट से विधायक मनोज चावला अपने 5 कांग्रेसियों के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर भोपाल के लिए पैदल यात्रा निकालना चाहते थे, जिसकी विधिवत उन्होंने परमिशन भी ली थी। हाथों में तिरंगा लिए बाबा महाकाल के दर्शन कर यह यात्रा निकालने के लिए तैयार थे। कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता को पुलिस ने महाकाल मंदिर से आगे जाने से रोक दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक मंदिर के सामने ही धरने पर बैठ गए और आला अधिकारियों से मांग करने लगे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, चाहे तो वह उन्हें गोली मार दें, लेकिन वह पैदल यात्रा निकाल कर रहेंगे। शांति से जा रहे थे, जो मजदूर का दर्द है वो आत्मसात करने के लिए, जो भारतीय मोदी सरकार ने जो हजार हजार किलोमीटर चल के जो मजदूर मर रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, इनको पश्चाताप करना चाहिए कि इस तरह की हरकत। और आज हमको लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम शांति से जा रहे थे कि मजदूर की बात को आत्मसात करने के लिए, जो तकलीफ है, दर्द है, उनका, जो मर रहे हैं, ट्रेन पटरी में कट के मर रहे हैं, तो वो मोदी और शिवराज सिंह को जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन अगर मजदूरों का दुख दर्द बांटने की बात हो, आप देखें हमारी माँ है रोड पे बच्चों को जन्म दे रही है, रोई के एक घंटे प्रसव के बाद 200 किलोमीटर पैदल चल रही है, और ये गूंगी बहरी केंद्र देश की सरकार और प्रदेश सरकार हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को यूं मरने के लिए छोड़ दिया, तो यूं मरने देना नहीं चाहते हम। बस विधायक के हट के चलते पहले तो प्रशासन ने, अधिकारियों ने और पुलिस के आला अधिकारी सहित एसपी ने भी कार्यकर्ताओं और विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों ही विधायक अपनी यात्रा निकालने की बात को लेकर अड़े रहे तो प्रशासन ने धारा 144 के तहत कर्फ्यू के उल्लंघन की धाराओं में केस दर्ज कर 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया। इसी बीच पुलिस ने दोनों विधायकों को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाया और दोनों ही के साथ धक्का मुक्की कर जेल की गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया। कई आपने देखा होगा, कई लोग ट्रेनों में कट गए, कई मानसिक तनाव के कारण भूख से मर गए, कई इन्होंने फांसी ले ली। पूरे मध्य प्रदेश से भी कई हजारों लोग जो अभी भी बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, लगातार उनके लिए उनकी फोन कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन सरकार उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 2000 मजदूर जो मेरी आलोट विधानसभा से 2000 लोग फंसे हुए, और मैं लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मेरे इन लोगों को यहाँ पे लाया जाए।